जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके चेहरे पर कई खुशियां एक साथ झलकती हैं। लेकिन ऐसे समय में महिला को अपने खान पान और हेल्थ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी गायनेकोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर साधना बिश्नोई हमें बताएंगी ऐसे आहार जिनसे गर्भावस्था के दौरान परहेज करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले तो परहेज करने वाले मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए, पर सबसे पहले मैं ये एडवाइस करनी चाहूँगी कि आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए अपने और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पर आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, उसमें आपको फ्राइड नहीं खाना होता है, स्पाइसी नहीं खाना होता है, खट्टा नहीं लेते हैं, आउटसाइड फूड अवॉइड करना चाहिए जस्ट फॉर द हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू। आई स्पेशली रिकमेंड आइस आउटसाइड जूसेस भी अवॉइड करने चाहिए जस्ट फॉर द हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कभी भी जूसेस लेने हैं घर पर आप बना कर लेंगे। फल फ्रूट आप खा सकते हैं, पर एक हमारी सोसाइटी में मिथ है कि पाइनएप्पल और पपाया नहीं खाया जाता है, पर राइप पपाया हम मेडिकली अलाउड होता है, अनराइप पपाया नहीं खाना चाहिए, वो हमें अबॉर्शन का रिस्क बढ़ा देता है। और खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि आप जंक फूड बाहर का, वो आपको सिर्फ जंक फूड अनहेल्दी फूड होता है, सिर्फ कैलोरीज देता है, ना बच्चे के लिए उसमें न्यूट्रिशन होता है ना आपके लिए न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि बर्गर पिज़्ज़ा ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत शौक होता है कि वो पानी पूरी जाके बहुत खाती हैं, तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगी पानी पूरी भी आपको नहीं खानी होती है। आपको नहीं पता पानी का सोर्स क्या है, जो पानी पूरी बना रहा है वो अनहाइजीनिक हो जाता है, उससे आपका पेट ख़राब होता है, पेट ख़राब होता है तो खाने की भूख नहीं रहती, न्यूट्रिशन कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपको भी और बेबी को भी, दोनों लोग सफ़र करते हैं। तो आपको जब भी देखें खाना बड़ी स्वच्छ जगह से खाना चाहिए, ऑफिस गोएंगे तो अपने घर का खाना पैक करके ले जाएं, ज़्यादा अच्छी ये बात है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्रेविंग होती है कि हमें नहीं स्पाइसी खाना है, फ्राइड खाना है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उस क्रेविंग को थोड़ा सा कम करके रखें। अगर आपको कुछ मन करता है घर का कुछ अच्छा सा बना के घर खाएं, जिसकी कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हो, जो आपको भी और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहे। तो बाहर का खाना, फ्राइड खाना, ज़्यादा स्पाइसेस, पिकल्स का भी एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि पिकल्स खाने चाहिए, पिकल्स अच्छे लगते हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है तो आपको पिकल्स भी अवॉइड करने चाहिए, मिर्ची भी अवॉइड करनी चाहिए। हल्का खाना, सादा खाना, सात्विक खाना अगर आप खाएंगे तो आप भी अच्छे रहेंगे, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, प्रेगनेंसी भी अच्छे से निकल जाएगी। गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।